सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सुबह के बज गए हैं 8:30 और हम दिल्ली को जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने अपनी गाड़ी को बिल्कुल सुबह से साफ साफ कर दिया, अभी स्टार्ट कर रखे ताकि ठंडी और की थोड़ी सी, और सामान वामान पूरा रेडी हो चुका है हमारा और अभी थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। अभी बस थोड़ा बैठ के चाय वाय पी रहे थे मम्मी पापा लोग के साथ, तो अब हम निकलने के लिए रेडी हैं। तो हम दही खा रहे हैं। कहते हैं कि हिंदू धर्म में कोई भी कहीं भी जाना है या शुभ काम करना है तो उससे पहले दही खाना ज़रूरी है। दो दही खाओ। एक है दही खा रही है, शो कर रही है। चलो चलो भाई चल रहे हैं। तो पापा मम्मी हमें बाहर छोड़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में। तो अब हम निकलने के लिए रेडी हैं घर से। मम्मी पापा हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं गेट से बाहर। तो अब हम निकलते हैं, रास्ते में आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाएंगे। ठंड काफ़ी है, कोहरा भी लगा हुआ है। तो पापा मम्मी छोड़ने के लिए आ रहे हैं, मम्मी बाय बोल रही है और पापा भी हमें बैठाने के लिए आ रखे हैं गाड़ी में। चलो आ जाओ। हाँ आराम से जाएंगे, ये रहने दो इसी को। चलो ये हैं पापा जी। चलो दिया बाय मम्मी। हाँ बाय। तो अब हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, अपने ससुराल के लिए हम निकल चुके हैं। मेरे बाय। बाहर काफी कोहरा हो रहा है, बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है। तो अभी बहुत ज्यादा फॉग लगा हुआ है। अभी हम कहाँ पहुंचे? अभी तो हम घर से निकले ही हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फॉग लगा हुआ है इधर। अब हम भराएंगे पहले पेट्रोल, गाड़ी को लगी है भूख, पहले मिटाएंगे इसकी भूख। पहले गाड़ी की भूख मिटाएंगे, फिर हम खुद भोजन करेंगे। भोजन नहीं, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हम आ चुके हैं रिलायंस। इसका तेल कभी भी आपको डालना है रिलायंस से ही तेल भरवाएं, क्योंकि यहाँ का तेल बहुत साफ और गाड़ी अच्छा एवरेज देती है, पिकअप देती है और काफी अच्छा चलता है तेल इसका। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी का ही तेल लगाओ। और अब हमारे नेटवर्क जा चुके हैं, बिकॉज हम ये टांडा के जंगल से निकल रहे हैं। और अभी हमारे नेटवर्क नहीं आएंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। हम 3 किलोमीटर का है ये और हम पहुंच चुके हैं सत्कार हसबा पे, जो NH 9 पे पड़ता है, हल्द्वानी से बिलासपुर वाली रोड पे। काफ़ी अच्छी मतलब पीसफुल जगह है, यह है इसका नाम। और आप देखोगे तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। यह है इसका पार्किंग और यह है बैठने का। और यह है रेस्टोरेंट, ढाबा के नाम से है ये। अच्छा सा है काफ़ी। अभी अंदर चल के आपको दिखाएंगे कैसा है खाना। और यह है इसकी पार्किंग एरिया लास्ट तक। जा रहे हैं अंदर ढाबा के, नाम का ढाबा है लेकिन है बहुत सुंदर जगह है ये। अब हम जाएंगे अंदर। चल काफी नीट एंड क्लीन। इस तरफ वाले बैठे हैं ये है इसका व्यू। नाम ढाबा है लेकिन अच्छा लग रहा है। कैसा लगा है यहाँ का फूडी?
इतनी देर लगा दी तुमने, अभी क्या मंगाना है चलता हो। पराठे खाएंगे हम। आप क्या खाओगे? पराठे खाओगे? पराठे तो सही है। देखो आलू पराठा, पंजाबी आलू पराठा, आलू पराठा, ओनियन पराठा, ओनियन पराठा, पनीर पराठा, मिक्स पराठा। तो अब हमारे आ गए हैं पराठे, काफी इंतजार देर बाद, काफी इंतजार करने के बाद तंदूरी का। ये रहा, देखो कितना टेस्टी लग रहा है ये। तो अब देखते हैं। चलो भाई अब हम लेंगे पराठा। ओहो ये है, वाओ, एक है मिक्स अचार और एक है शिमला मिर्च का अचार। हाँ अच्छा, हमने दो मंगाए पहले। खुशबू बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करके, कम से कम 6 पराठे खाए भाई, एक नंबर का पराठा बोलते हैं ना, मतलब मज़ा आ गया। पराठे भाई बिल्कुल घर जैसा पराठे थे, और चाय भी बहुत ही बढ़िया थी, है ना? बहुत अच्छा पराठा है। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़, क्या इसका नाम, सत्कार हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक बार जरूर आइएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसका जो खाना है, जो टेस्ट है ना, बिल्कुल घर जैसा था, है ना? हमें लगा था पहले कि मतलब पता नहीं कैसा होगा, हमने यार और जगह भी हमने खाया था, एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया है हमने, और जगह भी खाया था ना, तो मतलब बिल इतना लंबा चौड़ा, मतलब जिस हिसाब से होते ना 80 रुपए का पराठा, 100-150 ऐसे पराठे, लेकिन यहाँ रेट भी इतने बढ़िया है, ये लगा लो रीजनेबल रेट में इतना अच्छा, मतलब हमें ब्रेकफास्ट मिला है ना, आप यहाँ पे आएंगे तो प्लीज जरूर आइए। हमने 8 पराठे समथिंग खाए, 8 पराठे खाए और 2 चाय ली थी हमने, और लगा लो 350 का बिल बैठा भाई, और पेट में मजा आ गया भाई, घर का जैसा बिल्कुल पराठे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ एक बार आओ। मैं अपना इसका लोकेशन, इस ढाबे का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ पे आओ, विजिट करो, और एक बार प्लीज़ एक बार खा के देखो, आपको घर जैसे फीलिंग आएगी, और रेट भी उतने महंगे नहीं है, और आपको व्यूज़ वगैरह दिखा दिया है मैंने, और अभी हम पार्क में हैं, थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह और बनाएंगे, तो तब तक के लिए हम आगे की वीडियो में और अच्छे जगह बताएंगे, जो आपको ना, मतलब जैसे कभी आप फ्यूचर में इस वाले रूट पे भी आ गए, बिलासपुर हल्द्वानी वाले किसी भी रूट पे आप आ गए NH9 पे, तो आप यहाँ आओगे, हम आपको ऐसी जगह बताएंगे ना जहाँ पे आप आओगे और आपको खाने पीने का भी बिल्कुल बढ़िया रहेगा, और पैसे भी ज़्यादा फालतू नहीं रहेंगे। वो हमारे साले साहब हैं, उनकी अलग कहानी चल रही है, छाता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो आगे का हम आगे और दिखाते हैं, काफ़ी कोहरा हो रहा है, अभी हमें दिल्ली पहुँचने में टाइम लग रहा है, 10:30 हो गए, तो अब हम आगे का ट्रिप चालू करते हैं। तो अब हम निकलते हैं भाई, टाइम काफ़ी हो गया, 10:30 हो गए हैं, और एक बार फिर से आपको व्यूज़ दिखा देते हैं इसका। ये रहा पीछे ढाबा, सत्कार ढाबा, बहुत ही प्यारा यार, मतलब जितनी तारीफ करो उतना कम है। तो अब हम चलते हैं, और ये मिसेज लगी पड़ी है हमारी रील्स बनाने में ये अब आगे का हम तुम्हें बताते रहेंगे कि कैसे है। आ जा, भैया इनकी कहानी अलग है। अब हम करते हैं गाड़ी बैक। ये फिर चलेगी रील्स बनाने, देखो ये हालात है इनके, ये हालात है इनके तो आगे के हम तुम्हें बताएंगे कैसे। यह है NH9, ये पूरा NH9 है। तो ये रास्ता जाता है बरेली और लखनऊ को, और ये रास्ते से हम जा रहे हैं दिल्ली। ये जाता है मुरादाबाद को, मुरादाबाद मतलब दिल्ली तो जाएगा, मुरादाबाद होते हुए जाएंगे ना, मुरादाबाद देखते हैं। ये क्या है, इस तरफ को जाएगा बरेली और लखनऊ, हम जाएंगे इस वाली रोड पे, दिल्ली मात्र बचा है 205 किलोमीटर, और हमें लगेगा तकरीबन 2 से 2.5 घंटा, अगर जाम ऐसी रहा तो 3 घंटे लग जाएंगे भाई।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर, और रामपुर से हम निकलने वाले हैं। और कोहरा अभी भी लगा हुआ है, बहुत ज्यादा ठंड है इधर, बल्कि हल्द्वानी में कम ठंड है और इस साइड ज्यादा ठंड है। देखते हैं आगे दिल्ली का मौसम कैसा है। अभी तो कोविड की वजह से सब लॉकडाउन है, सुनने में तो यही आ रहा है, बाकी जाकर पता चलेगा। चलिए देखते हैं आपके साथ हम। तो अब चल पड़े हैं हम नेशनल हाईवे की तरफ, और ये आपका आ गया है रामपुर रेलवे जंक्शन। और अभी मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी बिल्कुल नहीं आ रही है, और ये लोग मेरी बेइज्जती में बेइज्जती करे जा रहे हैं। बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। अच्छा हमें सिखा रही है। पैसे काट इसके 50 रुपए काटने मिलेंगे। ये रहा मौसम, काफी थकान से लग गई है चला के ना। अब तुम्हें पता लॉन्ग ड्राइव में 285 किलोमीटर चलाना पड़ता है घर से यहाँ के लिए, इससे थकान से लग जाती है। थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट देना चाहिए। अभी कहीं रुक के हम देखते हैं, बीकानेर में रुकेंगे तो वहाँ चाय पी लेंगे, नहीं तो कहीं अच्छा सा ढाबा जैसे अभी मिला था हमें फैमिली रेस्टोरेंट, वहाँ पर रुक के हम चाय पियेंगे। गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं गजरौला मुरादाबाद। आधे घंटे पहले हमने क्रॉस कर लिया था, थोड़ा लेट पहुँच रहे गजरौला क्योंकि धुंध बहुत हो रही है। पीछे मेरे दिख रहा होगा काफ़ी धुंध है, और मोहतरमा हमारी सही है, तो अब देखते हैं कैसा रहता है। चुके हैं बीकानेर और मेरी हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब, क्योंकि मैं सोते हुए आई हूँ और मुझे पूरे रास्ते कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी हम बीकानेर पहुँच चुके हैं और हम जाएंगे डोमिनोज में। मैं तो जाऊँगा डोमिनोज भाई, मुझे खाना है पिज़्ज़ा। ब्लॉगिंग हो कैसे होगी, मुझे जाना है डोमिनोज, ये जाएंगे बीकानेर ठीक है। और ये सब जाएगा। अब हम पहुँच चुके हैं बीकानेर, थोड़ा सा चाय शाय हो जाए यहाँ पे, जल्दी आ जा। ये रहा डोमिनोज, ये रहा बीकानेर, और यह है दूसरा बीकानेर। यहाँ से घर के लिए लेंगे थोड़े मम्मी पापा के लिए मिठाई जो उन्हें पसंद हो। ऋषभ तुम जाना बर्गर किंग, मैं जाऊँगा डोमिनोज, और तू जा यहाँ से बीकानेर। ये कह रही है कि घर जाऊँगी कुछ नहीं खाऊंगी, चलो पैसे बच गए भाई मेरे, है ना। ये है बीकानेर, यहाँ पे बहुत सारी कैंडीज, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स, और यह हैं पप्पा, लेकिन इनके पप्पा नहीं है इधर। और ये रहा बहुत बीकानेर, आ जाओ उधर चलना पहले। और अब हम ये हैं मिठाई, मम्मी पापा के लिए कौन सी मिठाई लेनी है ये भी बता दो। हाँ हाँ भाई, पापा मम्मी को पसंद है जो सी मिठाई बताओ, कौन सी पसंद है पापा मम्मी को। ये ड्राई फ्रूट कचौरी है यार, वाह स्वीट्स कितने मस्त हैं, रसमलाई, केक्स, डेजर्ट्स। तो अब हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली। गाड़ी अभी मैं नहीं चला रहा, ऋषभ जी चला रहे हैं, क्योंकि मैं चला चला के थक चुका हूँ भैया, हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं तो नींद भी निकाल ली माँ से, है ना, पहले ही सो के नींद निकाल ली अपनी। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं घर, तकरीबन आधे घंटा लग जाएगा, और अभी गाज़ियाबाद पहुंचने वाले हैं। और यहाँ धूप तो है, चलो कम से कम ठंडे का पता नहीं शीशे बंद है गाड़ी के, तो अभी कहीं रुके नहीं हैं, बस गाड़ी मैंने एक्सचेंज करी उनसे, गाड़ी उन्होंने चलाई और मैं बैठा हूँ पीछे। अभी हम घर पहुंचने वाले हैं और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रखी है, सो के नहीं, मेरी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब रखी है। मैं सोच रही हूँ कैसे घर पहुँचूँ और मैं लेट हूँ, और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमेशा जो पोल्यूशन रहता है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो लग नहीं रहा कि मतलब सर्दी है, धूप नहीं है, पोल्यूशन
पोल्यूशन बहुत ज्यादा है यार दिल्ली में। दिल्ली का क्लाइमेट बिल्कुल ही बकवास है, बिल्कुल बेकार। बट हम लोग यही रहते हैं इसलिए हमें यही अच्छा लगता है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं घर के काफी नजदीक और यहाँ लगा है जाम, बहुत गंदा जाम, जाम इतना, और गर्मी भी बहुत लग रही है कसम से। पीछे तो दिख नहीं रहा होगा, दिखाता हूँ, ये देखो पीछे इतना जाम और आगे भी है, रेड लाइट हो रखी है तो जाम वाम लगा हुआ है पूरी तरह से। तो अभी और गर्मी भी इतनी हो रही है, जिसम जनवरी के महीने में भी ना, मतलब इतनी ठंडी नहीं है इधर पे। तो दोस्तों अभी हम घर के बिल्कुल जस्ट नज़दीक पहुंच चुके हैं और मैडम कह रही है हमें गन्ने का जूस पीना है, तो इसलिए हम गन्ने के जूस के पास रुके हैं। घर यहाँ से तकरीबन सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है, तो ये थोड़ा तैयार हो रही है और कुछ नहीं बहाना है, ये अच्छा बन के जाएंगी घर को, और हम तो जूस वूस पी के जाएंगे यार, का थकान सी भी लग गई बहुत। और ये हमारे साले साहब जी जूस लेके आ रहे अपनी सिस्टर के, तो हमें तो नहीं पिलाया भाई, देख लो मैं गलती। भाई साहब हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल, इनके घर, काफ़ी खुश लग रही है, तबीयत ख़राब थी लेकिन अब ये हो गई है ठीक। गाड़ी लगा दी हमने उधर पार्किंग में और अब हम चलते हैं अंदर। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन अभी तबीयत ख़राब है। तबीयत कुछ खराब नहीं है इनकी, ठीक है, अब घर आने की खुशी में। थक गए भाई, अब पीते हैं चाय और इस वीडियो को जितने से ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कर देना, हमारे नया चैनल आपको पता ही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हमसे जितना हो सके ना हमने उतनी कोशिश करी अच्छी वीडियो बनाने की। और उम्मीद करते हैं आगे हम धीरे धीरे ना और इम्प्रूव करेंगे वीडियोज़ बनाने में। अभी तो अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको आप लिंक और में भी शेयर करना इस चैनल के, जितने ज़्यादा होना हमारे व्यूज़ दे देना, हम आपको आगे भी इम्प्रूव करके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अच्छी देंगे। बाय, टेक केयर।